ओके जी, आज क्रैश का क्रैश भी और बल्कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी एडीआर जो है उसमें आज हमारा फर्स्ट जो है वो लेक्चर है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली। होप सो आप लोगों ने बहुत जो है वो कह लें कि रिस्पेक्ट भी दी। और यूट्यूब पे मैं जब भी रात को सोने से पहले कमेंट सेक्शन रीड करता था तो कुछ 10 से 12 मैसेजेस डेली बेसिस पे कमेंट्स में यही होता था कि सर एडीआर एडीआर एडीआर। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फाइनली जो है वो कोशिश की है कि इसको स्टार्ट करवा के माइंड अप किया जाए। कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपने कर रहे हैं। अच्छा, मेरे से ना स्टूडेंट्स आके पूछ रहे होते हैं, मुझे ना क्वेश्चन सेंड करते हैं और पूछते हैं कि सर दीज आर इम्पोर्टेंट्स और नॉट। तो भाई जो मैंने सेंड किए हैं या जो मैंने भेजे हैं उनको देख लिया करें, वो भी इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, उसमें से आपकी आउटलाइन भी कवर हो रही होती है और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, उनको कंसीडर कर लिया करें। बाकी जहाँ से जो आते हैं आप ज़रूर उनको पढ़ें, ज़रूर उनको देखें, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि उनमें देखें अभी कल एक स्टूडेंट ने सेंड किया सर एडीआर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें क्या था कि सारी की सारी आउटलाइन एज इट इज़ लिखी थी, आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन, उसके बाद आपकी आ जाती बीच में नेगोशिएशन, और उसके बाद एडीआर क्या है, इंटरनेशनल एडीआर टेक्निक्स, ये वो करके मतलब आउटलाइन के जितने भी टॉपिक्स थे वो लिख के ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट वो कहता है जी बस 8 से 10 हैं, ये कर लेंगे तो सर आ जाएंगे। तो भाई मैंने भी तो आपको आज तक 10 से 12 ही बताए हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बताए हैं। अगर 15 तक कोई बताया भी है तो 15 किए नहीं है, 12-13 क्वेश्चन करते हैं, और ये भी गारंटी है कि आपकी आउटलाइन भी सारी कवर होती है उसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि आपको किसी एंगल से भी क्वेश्चन बन के आए तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा ना, ये बहुत लेंथी लगेगा आपको, लेकिन ये लेंथी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पहली जो आपकी आउटलाइन है पीयू की पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली जो आउटलाइन है उसमें से तकरीबन 2 से 3 जो टॉपिक्स हैं उनको मिला के क्वेश्चन जो है वो तैयार करने की कोशिश की है ताकि इनमें से कोई भी आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। इधर राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ बैकग्राउंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एडीआर, कि एडीआर का बैकग्राउंड क्या है, मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ और कहाँ तक ये पहुँचा, ये सारा देखना है। एंड एडीआर टेक्निक्स एंड प्रोसेस, और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि एडीआर के प्रोसेस के लिए एडीआर के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और उन टेक्निक्स के लिए कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को हमने देखना है। और ये जो तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाना था और फिर करवाना मुश्किल हो जाना था, इसको फिर हम कभी देख लेंगे। कि आल्सो कंपेयर एडीआर वर्सेस एडवर्सियल सिस्टम, कि एडीआर को आपने रिलेट करना है किसके साथ, एडवर्सियल सिस्टम के साथ, जो कि आपने वर्ल्ड लीगल सिस्टम में पढ़ा था एडवर्सियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है, उसके साथ इसको रिलेट भी करना है, लेकिन वो फिर कभी देखेंगे। आज के क्वेश्चन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड नेचर एंड स्कोप ऑफ एडीआर, कि जो एडीआर है ये है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका नेचर और स्कोप क्या है। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडीआर इट्स नेचर एंड स्कोप और इट्स बैकग्राउंड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडीआर एंड डिफरेंट टेक्निक्स एंड देयर प्रोसेस एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन देम इन द प्रोसेस ऑफ एडीआर, तो यानी एडीआर के लिए कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और हर टेक्निक के लिए कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो हमें देखना। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड द इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये है क्या। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस पर जो है वो कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो गई है या कि किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी भी तरह का कोई मसला आ गया, तो एक रेमेडी तो आपके पास ये है जो आपने इंग्लिश जुरिसप्रूडेंस में भी पढ़े हैं, तीन कंसेप्ट पोजेशन टाइटल और ऑनरशिप के, उसको यूज़ करते हुए और सीपीसी, ठीक है, आपको रेमेडी देती है कि आप जो है स्टे का सूट जो है जाके फाइल कर लें सिविल कोर्ट में, स्टे का सूट फाइल करें और अपनी प्रॉपर्टी पे स्टे लगवा लें ताकि कोई उसको यूज़ ना कर सके। हो सकता है जैसा आप कहें कोई भी नहीं यूज़ करेगा, स्टेटस को करते हैं, स्टेटस को का मतलब होता है ना आप यूज़ करेंगे ना कोई और करेगा। अच्छा, स्टेटस स्टे लग जाता है, स्टे लगने से आपका क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा है कोई फ़ायदा नहीं,
आप भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई और भी नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, बंजर हो रही है, फायदा तो कोई नहीं है ना। और वो लिटिगेशन कितनी चलनी है, कितनी देर तक चलनी है, पता नहीं 10 साल, पता नहीं 20 साल, पता नहीं कितने साल तक जो है वो लिटिगेशन है चलेगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई कि यार केस होगा, लिटिगेशन चलेगी, पार्टीज आएंगी, कंटेस्टेड मैटर हो जाएगा, बड़ा टाइम लग जाना है, सालों साल लग जाना है, तो जब ये चीज़ें फेस करना पड़ रही थी ना, तो उसके अल्टरनेटिव में आया, नाम से ही जाहिर है, अब वर्ल्डली आपने समझने की कोशिश करनी है। अल्टरनेटिव क्या होता है, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाए पैनाडोल नहीं है, अल्टरनेटिव के तौर पे क्या मिलता है आपको, पैरासिटामोल, और कुछ ना कुछ आप ले लेते हैं कि यार किसी तरह जो है ना जाए, तो यानी पैनाडोल नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जो रवायती तौर पे तरीका चल रहा था, एडवर्सरियल सिस्टम चल रहा था, जिसमें कोर्ट्स थी, केसेस फाइल होते थे और सालों साल लगते थे डिसीजंस में, तो इस चीज़ से जब तंग आ गए तो फिर अल्टरनेटिव तरीका आया। अल्टरनेटिव तरीका किसके लिए आया, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, यानी झगड़ों को सुलझाने के लिए, नाम ही क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी एक तो आप ऑलरेडी झगड़ों को सुलझा रहे हैं, ऑलरेडी कोर्ट्स के थ्रू जो है वो झगड़े सारे आपके, आप जाते हैं प्रॉपर्टी का, सिविल नेचर की हमने बात करनी है, इसमें क्रिमिनल में एडीआर नहीं आता है। क्रिमिनल में देखे ना, किसी का कत्ल कर दिया तो आप आता है, लेकिन बहुत रेयर आता है, ठीक है, मोस्टली सिविल केसेस को डील करता है। अगर कोई मतलब आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, कोई और तरह का मसला है, तो आप कोर्ट में जब जाते हैं तो इतना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, वकील साहब कितनी फीस मांग लेते हैं, 10 लाख रुपया, और वजह क्या होती है कि वकील साहब का घर ना बन रहा है, पोर्शन बन रहा है, तो वो टाइलें लगवानी है 5 लाख उसके लिए चाहिए, पेंट करवाना है 2-2.5 लाख उसका चाहिए, और वाशरूम में टाइल लगने के 2.5-3 लाख उसका चाहिए, तो वो एस्टिमेशन लगा के कहते हैं 10 लाख दे दे, हैं, तो ये क्या है, मतलब पैसा भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा, केस आप फाइल कर रहे हैं, डिसीजन आपका बचा लेगा आगे, आपकी बहू लेगी आगे, ठीक है, टाइम की भी कंजम्पशन, पैसे की भी कंजम्पशन, टेंशन, लॉस, हर तरह से, और प्रॉपर्टी भी वहाँ पे मुंज मेरा, प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं बन। तो जब ये सारी सिचुएशन थी ना, तो उसके अल्टरनेटिवली फिर ये सब्जेक्ट आया हमारे पास, फिर ये लॉ आया कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि हम जब मामलात को अल्टरनेटिवली जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। मैसेज देखेंगे, आवाज़ कर इशू नहीं, तो मतलब यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, के जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, जहाँ पे पैसे का ज़िया नहीं होगा, जहाँ पे साल साल नहीं लगेंगे, बल्कि इधर से आप जाएंगे उधर से आपका मामला हल होगा, ठीक है, विद इन डेज, विद इन वीक्स, विद इन वन मंथ्स जो है वो आपको डिसीजन दिया रहेगा, आपके मामला क्लियर हो रहे हैं, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो ये जो तरीका था, इसको बोला गया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये इंडिया में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो हमने जितना भी सिलेबस पढ़ना है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 एंड तक, उसमें आपने हर हवाले से इसको डिस्कस करना है, लाइक पाकिस्तान में कैसे है, इंडिया में कैसे है, और इंटरनेशनल इसकी रिकग्निशन कैसे है, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने क्या रोल प्ले किया इसके डेवलपमेंट ने, इंडिया की कोर्ट्स ने क्या रोल डेवलप किया इसके डेवलपमेंट ने, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कैसे रोल प्ले किया इसकी डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है एडीआर के डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एडीआर है क्या, इसके नेचर और स्कोप पे बात करते हैं, और इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि कहाँ से ये चला और कहाँ तक आया, ठीक है, पहले ये हिस्सा पढ़ते हैं फिर आगे चलें। इंट्रोडक्शन कहता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू द मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। मतलब एक तो आप ऑलरेडी सिस्टम यूज कर रहे थे कोर्ट सिस्टम, वहाँ पे केसेस होते थे और उसके थ्रू जो है आपको इंसाफ मिलता था, और इंसाफ मिलते मिलते जो है आप अगर काले बालों वाले थे तो आपके सफ़ेद बाल आ जाते थे, अगर आपका बच्चा हुआ था जब आपने केस किया था तो अब बच्चे का आगे बच्चा होने वाला है जब फैसला आ रहा है, ठीक है, तो मतलब पहले ये अदालतों में आप मामला चलाते थे, अब अदालतों से बाहर जब मामला को डिसाइड करने की बारी आई तो उसको हमने नाम दिया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, एडीआर का। कहता है एडीआर इमर्ज्ड एज अ सेपरेट एज अ रिस्पॉन्स टू द ड्रॉबैक्स ऑफ लिटिगेशन सच एज हाई कॉस्ट, लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड द एडवर्सियल नेचर दैट ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स।
अच्छा कहता है एडीआर आया क्यों, एडीआर इमर्ज क्यों हुआ? क्योंकि पैनाडोल बड़ी महंगी थी, क्योंकि पैनाडोल जो है वो जल्दी उसे आपको सेहत जल्दी नहीं मिलती थी, क्योंकि पैनाडोल लेना मुश्किल था। दैट्स वाई कंपैरिजन में या अल्टरनेटिवली आपने पैरासिटामोल ली है, वट एवर। मिसाल दे रहा हूँ, समझाने की नहीं है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह जब आप कोर्ट्स में ऑलरेडी डिस्प्यूट जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे थे, तो वो तरीका बड़ा लेंथी था, वो तरीका बड़ा एक्सपेंसिव था, उस पर पैसा बड़ा लगता था, टाइम बड़ा ज़ाया होता था। तो उन सब चीज़ों के रिस्पॉन्स में, मतलब टाइम ना ज़्यादा लगे इसके रिस्पॉन्स में, पैसे ना ज़्यादा ज़ाया हो इसके रिस्पॉन्स में, और क्विकली आपको रिलीफ मिल जाए इसके रिस्पॉन्स में, एडीआर जो है वो इमर्ज होके सामने आया। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ये इमर्ज होके हमारे सामने आया। अच्छा जी, कहता है नाउ अडेज, आजकल के दौर में, अजान सुनने सुना पास कर लें सिर्फ। ओके, अच्छा तो हमने कहा वो जो टाइम कंजम्पशन हो रही थी, वो जो मनी कंजम्पशन हो रही थी, वो जो हेक्टिकनेस थी, वो जो अवाम जलील हो रही थी, उस सब के रिस्पॉन्स में, वो जो एडवर्सरियल सिस्टम था, ठीक है, उस सब से निजात पाने के लिए, उस सब के रिस्पॉन्स में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इमर्ज होके सामने आया। यानी अब हम अपने झगड़े जो है वो इसके थ्रू सुलझाएंगे, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, इसमें पैसा भी ज़ाया नहीं होगा, और इसमें सुकून भी आसानी के साथ। आउटसाइड द कोर्ट, अदालतों में जाते हैं, वकील साहब ऑर्डर ही पढ़ के नहीं दिखाते हैं, वो रीडर साहब ऐसा ऑर्डर लगते हैं कि वकीलों को भी समझ नहीं आता है। पहले 2 साल मुझे लग गए ऑर्डर पढ़ने पढ़ने में, 2 साल नहीं, खैर 3 महीने लग ही गए थे कि यार लिखिया की है। मतलब एक वकील को समझ नहीं आ रहा तो आम आवाम को क्या ही समझ आ रहा है ना। तो जैसे डॉक्टर की राइटिंग आप और मैं नहीं पढ़ सकते हैं, वो फार्मेसी वाला ही पढ़ सकता है जिस फार्मेसी वाले से वो मेडिसिन मिलनी है, जिसके पास डॉक्टर ने आपको भेजा है, फॉर्मूला रखवाया हुआ उसने। तो उसी तरह से ये है। तो मतलब अदालतों में इतनी जलालत थी, इतने चक्कर थे, इतना टाइम लगता था, इतना पैसा लगता था, तो अवाम ने सोचा जी हमें इस चीज़ से जान छुड़ानी और इसके रिस्पॉन्स में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कहते नाउ अडेज द एडीआर हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें एडीआर बहुत अहम जो है वो इस टाइम सब्जेक्ट बन गया हुआ है, और मामला को सुलझाने का बेहतरीन तरीका बन गया हुआ है, ठीक है। कहता पीपल आर चूजिंग टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर ड्यू टू इट्स स्पीडी एंड लेस एक्सपेंसिव जस्टिस। अच्छा, अगर बात आती है कि लोग जो है वो अब ना वकील रो रहे होते हैं नॉर्मली कि भाई की करिए केस ही नहीं आ रहे, भाई की करिए क्लाइंट पैसे ही नहीं देता है, ये अक्सर सुनने को मिलता है। आप जब आएंगे तो आपको भी सुनने को मिलेगा। तो उसकी वजह क्या है कि क्लाइंट तंग आ चुका है, क्लाइंट की कुछ 4-5 जनरेशन पाकिस्तान में रह चुकी हैं। 1947 में आके पड़दादे ने केस किया था, दादा भी भुगत रहा, आपका वालद भी भुगत रहा, आप भी भुगत रहे हैं, तो आप तो आगे अपने बच्चे को नहीं ना भुगतने देंगे, तो आप अपने बच्चे को एडीआर की तरफ लेके जाएंगे, आप सिविल लिटिगेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो कहता है जी कि पीपल आर चूजिंग टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू एडीआर, यानी आज के दौर में लोग किसके तहत अपने झगड़े उलझा रहे हैं, सुलझा रहे हैं, एडीआर के थ्रू सुलझा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है एडीआर की स्पीडी नेचर और लेस एक्सपेंसिव जस्टिस, यानी एक तो पैसा नहीं लगता है और दूसरा जस्टिस आपको क्विकली मिल जाता है। ये था अबाउट एडीआर के, एडीआर है क्या और एडीआर को क्यों चूज किया जा रहा है, समझ आ गई। रेलिवेंट प्रोविजंस, यानी पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से कवानीन ऐसे हैं जिनमें प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत एडीआर को जो है वो अहमियत दी जा रही है। सबसे पहले आ द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940। आर्बिट्रेशन एक्ट है आपका 1940 का, वो डील करता है। उसके बाद ऑब्वियसली द पंजाब आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 2019, जो कि हमने उसके सेलियंट फीचर्स भी एक इम्पोर्टेंट लॉ के तौर पे तैयार करने हैं, इसमें वो डील करता है। जब आप पढ़ते हैं ना CPC, यानी सिविल प्रोसीजरल कोड ऑफ 1908, जो बताता है कि आपके जितने भी सिविल केसेस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड एट्सेट्रा, ये कैसे फाइल करने हैं आपने केसेस सारे, ठीक है, प्रोसीजर के बारे में बताता है, प्रोसीजरल लॉ है। तो CPC का सेक्शन 89A जो है, और उसको अगर ऑर्डर नंबर 10 और उसके रूल नंबर 1 के साथ, 1A के साथ जब मिला के पढ़ते हैं, CPC के अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, सेक्शंस 151 या 152 उसके सेक्शंस हैं, और ऑर्डर मिलेंगे साथ जो कि उसके तकरीबन 51 आई गेस जो है वो ऑर्डर हैं टोटल, तो उनको आप मिला के पढ़ते हैं। तो CPC के अंदर आपका 89A
सेक्शन है और ऑर्डर है उसका 10 और उसका रूल है 1A, उसके साथ जब मिला के पढ़ेंगे तो वो भी आपकी ADR की बात करता है, ADR के मेथड्स की बात करता है। देन है सेक्शन 10 और 12 ऑफ फैमिली कोड एक्ट ऑफ 1964, 1964 का एक फैमिली एक्ट, फैमिली कोड एक्ट है, उसका सेक्शन 10 और 12 जो है वो भी ADR की टेक्निक्स को जो है वो डील करता है। और जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पढ़ते हैं तो उसका आर्टिकल 153 और 154 यानी 153 और 154 जो है, ये दोनों आईन के जो आर्टिकल हैं ये भी ADR टेक्निक्स के डील करता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि ADR है क्यों, इसको चूज़ क्यों किया गया और डिफरेंट जो रेलिवेंट इसकी प्रोविजंस हैं। अब है मीनिंग ऑफ ADR कि ADR का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड और डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, कहता है वेरियस मैथड्स ऑफ रिजोल्विंग सिविल डिस्प्यूट्स अदरवाइज देन थ्रू द नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस, यानी मुख्तलिफ तरीके जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं अपने सिविल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए अदर देन द नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस, यानी जो नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस है आपका कोर्ट्स वाला, यानी नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस क्या है कि आप अदालत में जाते हैं, केस फाइल करते हैं, वहाँ बहस होती है, एप्लीकेशन डिसाइड होती है, नई एप्लीकेशन वो डिसाइड होती है, नई एप्लीकेशन वो डिसाइड होती है, कोई 130 एप्लीकेशन आप दे देते हैं एक केस के अंदर, ठीक है, तो वो 20 साल लग जाते हैं उसको। तो कहता है नॉर्मल जो ट्रायल प्रोसेस है ना उसके अलावा, नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस के अलावा जो तरीके इस्तेमाल होते हैं कोई भी सिविल डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, उसको आप बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देन डेफिनेशन ऑफ ADR है, कहता है जी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू द वेरियस प्रोसेसेस दैट हेल्प्स पार्टीज रिजोल्व डिस्प्यूट्स विदाउट ट्रायल, यानी ट्रायल में जाए बिना, ट्रायल क्या है वही सिविल कोर्ट वाला काम के केस फाइल करो, दूसरी पार्टी आए जो आपने केस फाइल किया उसका जवाब दे, फिर आप अपनी एविडेंस ले गए, फिर दूसरी पार्टी उसको क्रॉस करे, फिर जैसा आप कोई फैसला दें, फिर उसकी डिग्री आए, फिर डिग्री को जो है वो आप आगे जो है उस पर अमल दरामद कराएं। तो ये सारा प्रोसेस है जिसपे आपके साला साल लग जाते हैं। तो कहता है इससे अलावा जो झगड़ों को सुलझाने का जो मेथड है उसको ADR कहते हैं। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन बार एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान की डिफरेंट बार्स हैं ना, लाहौर बार एसोसिएशन, फैसलाबाद एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, तो इसी तरह अमेरिकन जो बार एसोसिएशन है वकीलों की जो बार है उनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। कहता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स सच एज मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन और फोर्थ वन पे निगोसिएशन। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, डेट आर यूज टू हेल्प पार्टीज रिजोल्व डिस्प्यूट्स विदाउट रिजोर्टिंग टू लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होने बिना, कोर्ट्स में जाए बिना, खजल खराब हुए बिना। वैसे तो ये सारी बातें मेरे अगेंस्ट आ रही हैं, वकीलों के अगेंस्ट आ रही हैं कि आप कोर्ट्स में खजल खराब होंगे या बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी फीसें देनी पड़ेंगी, लेकिन अब आपको तो पढ़ाना है ना ADR। तो क्या है कि जब आप चूज़ करते हैं कि यार हमने खजल खराब नहीं होना है कोर्ट्स में, जब आप चूज़ करते हैं कि हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है कोर्ट्स में, जब आप चूज़ करते हैं कि हमने मेंटल बीमार नहीं होना है, आप जब केस फाइल करते हैं आप अच्छे भले होते हैं, और जब फैसला आने का टाइम होता है पागल हो चुके होते हैं, ठीक है। वो अब्दुल्ला ने मीम भी शेयर की थी लास्ट टाइम मेरी टिकटॉक ID से कि वकील जो है वो एक मीम है वो, जिसमें एक छोटे से कद का पता नहीं वो पीर है क्या है, वो पैसे फेंक रहा होता है, तो वो वकील कहता है केस फाइल करने के पैसे वो फेंकता है, वो कहता है मुंशी को देने के पैसे वो फेंकता है, वो कहता है दरख्वास्त देने के पैसे वो फेंकता है, तो एंड पे वकील कहता है केस हार गए हैं तो वो पीटना शुरू कर देता है। तो यही हाल जो है वो वाकई में क्लाइंट का होता है कि देखें जब आप अदालतों में आएंगे तो आपको सारी फीसें देनी पड़ेंगी, एक तो वकील की आपने फीस देनी है वो लाख है, 10 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, वो देनी है, उसके बाद मुंशी के खर्चे, कापियों के खर्चे, अटेस्टेशन के खर्चे, जो है वो नोटरी पब्लिक के खर्चे, ये सारे खर्चों से जब आप बचने का सोचते हैं ना कि मैंने भाई इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, मुझे कोई और तरीका बताओ, तो और तरीका ADR है। और ADR में कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं आपके झगड़े उलझाने के लिए, वो निगोसिएशन है, वो आर्बिट्रेशन है, वो मेडिएशन है, वो कंसिलिएशन है, ये 4 मेजर टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर सारा ADR जो है वो बेस करता है, और इनको आज हमने छान लेना है इंशाल्लाह, जरूरत ही नहीं पढ़नी, आगे पढ़ने नहीं पढ़ेंगे तो खाते हों, ठीक है। तो जब आप चूज़ करते हैं कि हमने झगड़े जो हैं वो अल्टरनेटिवली सुलझाने हैं तो वो ADR है, अमेरिकन बार एसोसिएशन के मुताबिक। अच्छा जी, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक ऐसे क्लियर है कि ADR है क्या, ADR का मतलब क्या है, ADR की डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ ली। अब इसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक, कैसे शुरू हुआ, 19वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं सदी में अब ये कैसे है, और आज पाकिस्तान में ये कैसे है, ठीक है।
वी कैन सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एडीआर एज अंडर। सबसे पहले एंशियंट ओरिजन, यानी बड़े पुराने दौर की बात करते हैं ना, जब लोगों को पहनने का नहीं पता था, ओढ़ने बिछोने का नहीं पता था, मामलात का नहीं पता था, तब एडीआर किस सूरत में था। कहते हैं इन एंशियंट टाइम्स पीपल इन ग्रीक, मतलब जो यूनानी लोग थे, रोम या जो रोमन्स थे एंड चाइना, यूज टू इनफॉर्मल मैथड्स लाइक मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। यानी रोमन्स और आपके जो ग्रीक्स हैं वो मीडिएशन को, आर्बिट्रेशन को यूज करते रहे हैं अपने मामला को सुलझाने के लिए। कहते हैं कम्युनिटी लीडर्स और एल्डर्स, जो बादशाह हुआ करता था या आपके घर के जो बड़े दादे चाचे बाबे होते थे, लिसन टू बोथ साइड्स, वो बैठते थे दोनों साइड्स को सुनते थे, हाँ जी मसला क्या है, एंड हेल्प फाइंड अ सोल्यूशन, और एक तरीका इस्तेमाल, मतलब एक सोल्यूशन तक पहुंच जाते थे कि अच्छा इसका ये हल किया जा सकता है, डेट एवरी वन कुड एग्री, जिस पे हर कोई बंदा एग्री हो जाता था। तो मतलब अगर एंशियंट ओरिजिन देखें तो रोमन्स और ग्रीक्स में भी एडीआर जो है ये इस्तेमाल होता रहा है। ऑल दो टब इसको जो है वो रिकॉग्निशन हासिल नहीं थी, लेकिन तब भी बाबे बैठते थे, तब भी आपके फैमिली के बड़े लोग बैठते थे और वो मिल के दोनों साइड्स को सुनते थे। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड, किसी को एक को सुने बिना आप दूसरे का हक में फैसला नहीं कर सकते हैं। देन इट विल बी मोर लाइकली टू जज इन इक्विटी, मतलब जब आप दूसरे को सुन लेते हैं तो फिर ज्यादा बात कन्फर्म हो जाती है कि आप जो फैसला करेंगे वो मुनसिफाना होगा। तो इसी तरह ये तब भी सुना जाता है कि दोनों साइड्स को बिठाओ, कोर्ट में नहीं जा रहे, वकील के पास नहीं जा रहे, दोनों साइड्स को बिठाओ, सुनो वो क्या कहता है, सुनो वो क्या कहता है, जो दोनों ने बताया उसकी रोशनी में एक सोल्यूशन पे पहुंच गए, एंड दैट इज नाउन एज एडीआर। तो पुराने दौर में ये इस्तेमाल होता था, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था, सिर्फ ग्रीक्स में और रोमन्स में, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा उससे आगे आ जाए, नेक्स्ट स्टेज क्या है इसकी, कहता है मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड्स, तब ये कैसे था। कहता है ड्यूरिंग मेडिवल और टाइम्स इन यूरोप, ट्रेड गिल्ड्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स वुड हेल्प रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। जो रिलीजियस ग्रुप्स होते थे ना आपके, मजहबी जो ग्रुप्स होते थे, वो झगड़ों को सुलझाने के लिए फिर आगे लीड करने लगे। कहते हैं अमंग देयर मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स के दरमियान। कहते हैं इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, शुरू शुरू के दौर में, ट्रेड ग्रू, मर्चेंट्स क्रिएटेड देयर ऑन सिस्टम टू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स क्विकली विदाउट गोइंग टू द कोर्ट्स यूजिंग आर्बिट्रेशन टू मेक फेयर डिसीजंस। तो वो जो मर्चेंट्स थे, वो जो ताजर थे, वो बैठे आपस में, उन्होंने कहा यार अगर हमारे आपस में कोई झगड़े हो जाते हैं, ताजरों के आपस में झगड़े हो सकते हैं ना, ट्रेड का जब काम है सारा, उधर बात सुने, आवाज का कोई इशू आ रहा है, रिजोल्व करें, किस किस को आवाज का इशू आ रहा है, सबको ही आ रहा है आवाज का, काइंडली ये मेक श्योर कर लेना अगर किसी एक को नहीं है तो फिर उसका नेट का इशू है। अच्छा तो जब बात करते हैं, तो जब मर्चेंट्स, मतलब ट्रेड जो है वो बिल्ड होने लगी, ट्रेड जो है वो आगे बढ़ने लगी, तो तब मर्चेंट्स ने आपस में डिसाइड किया कि यार हमारे अगर आपस में झगड़े होंगे ना, तो हमने कोर्ट्स में नहीं जाना है सुलझाने के लिए, कोर्ट्स में नहीं जाना है मामलात को टैकल करने के लिए, बल्कि हमने जो है आपस में बैठना है, सर जोड़ने हैं, और हमने आपस के झगड़े जो है वो उलझा लेने हैं, उलझाने नहीं है, सुलझा लेने हैं, ठीक है। तो तब भी, मतलब पहले तो एंशियंट ओरिजिन, मतलब रोम्स एंड ग्रीक्स, फिर मर्चेंट्स यूरोप में सारे, उन्होंने भी आर्बिट्रेशन का तरीका इस्तेमाल किया अपने आपस के झगड़ों को सुलझाने के लिए। तो मतलब तब भी एडीआर था। उससे भी आगे आ जाते हैं, 19th सेंचुरी की बात कर लेते हैं, 19वीं सदी की। कहता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्राउट मैनी चेंजेस। 19वीं सदी आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की सेंचुरी थी, यानी बड़ी तरक्कियाँ हुई उस दौर में। कहते हैं इंक्लूडिंग मोर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो जब इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ रही थी, तो फिर मालक और मजदूर के दरमियान भी बहुत ज़्यादा झगड़े पैदा हो रहे थे। मालक कहता था मैं तनख्वाहें नहीं देनी, मजदूर कहता था तनख्वाह दोगे तो बच्चे को पालना है, तनख्वाहें दोगे तो बच्चे को पढ़ाना है, तनख्वाहें दोगे तो बीवी के लिए दूध लेके जाना है, सब्जी लेके जानी है। तो जब ये मालिक और मजदूर के दरमियान इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में भी झगड़े आना शुरू हुए ना, तो उस दौर में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो कहता टू मैनेज दीज कन्फ्लिक्ट्स, इन झगड़ों को भी सुलझाने के लिए, आर्बिट्रेशन बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल। तो उस दौर में फिर, यानी अर्ली एज के बाद और मॉडर्न पीरियड्स के बाद, 19th सेंचुरी में आर्बिट्रेशन जो है वो मजीद मॉडर्न हो गई, मॉडर्नाइज्ड हो गई, क्योंकि रेवोल्यूशनरी दौर था और आर्बिट्रेशन में भी रेवोल्यूशन आ गया। इट हेल्प रिजोल्व लेबर डिस्प्यूट्स विदाउट लॉन्ग कोर्ट बैटल्स, अलाउइंग फॉर फास्टर सॉल्यूशंस। तो यानी इसमें भी तरीका यही इख्तियार कर लिया गया कि अगर मालिक और मजदूर के दरमियान कोई झगड़ा उठ खड़ा होता है, तो उसके लिए कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी जगह लड़ने की जरूरत नहीं है कोर्ट्स में जाके,
वकील उधर से भी करो उधर से करो, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हम मिल बैठ के मालिक जो है वो मजदूर की सुन लेगा, मजदूर जो है वो मालिक की सुन लेगा, इस तरह आर्बिट्रेशन के तहत जो है वो मिल मिला के मामले जो है ना अपने चला लेंगे और एग्री बोन हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पे। तो यानी 19वीं सदी में भी फिर एडीआर था, ठीक है, उससे आगे 20वीं सदी में आ जाते हैं। कहता है जी इन द थैंक यू इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी कोर्ट सिस्टम इन मैनी कंट्रीज बिकेम ओवरवेल्ड विद केसेस। अब 20वीं सदी के मिड तक ना दुनिया की हर हर कोर्ट्स के अंदर केसेस का इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था जिसका हिसाब कोई नहीं था। पाकिस्तान के अंदर आपके बेशुमार केसेस हैं, हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगता है दूसरे केस की बारी, मैंने एक हेयरिंग होती है आपकी और नेक्स्ट हेयरिंग आपकी महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है, तो इन बिटवीन आप क्या करेंगे, इन बिटवीन आपको इंसाफ चाहिए, आप ठोकरें खाएंगे ना, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, तो केसेस का बर्डन ही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहता है एडीआर मेथड्स लाइक मेडिएशन आर्बिट्रेशन बिकेम पॉपुलर एज अल्टरनेटिव टू द कोर्ट ट्रायल्स। कहता है तो फिर क्या हुआ, जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए तो फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स थी जैसे आर्बिट्रेशन है मीडिएशन है ये उबर के सामने आई और इन्होंने जो है झगड़ों को सुलझाने की कोशिश की। कहता है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन, मतलब अमेरिका के अंदर आर्बिट्रेशन एसोसिएशन पूरी मौजूद है, वर क्रिएटेड इन द US टू प्रमोट द प्रमोट एंड फैसिलिटेट दीज मैथड। तो वहाँ पे यानी अमेरिका के अंदर स्पेसिफिकली एसोसिएशन बनाई गई ADR की जो कि इन प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगी, इनको वो बेहतरीन तरीके से वो चलाएंगी मामला इनके। तो यहाँ पे ADR मजीद उभर के सामने आया। तो जब बात करते हैं मॉडर्न इरा की कि आज ADR किस शक्ल में मौजूद है, तो कहता है टुडे ADR इज यूज वर्ल्ड वाइड, आज दुनिया के हर कोने में ADR जो है यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इन वेरियस फील्ड्स डिफरेंट शोबों में। कहता है इंक्लूडिंग फैमिली लॉ, आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड जो मामला है उनमें भी आपने सालसी का लफ्ज़ सुना होगा, सालसी काउंसिल, हसीब का भी वास्ता पड़ा होता है, जब आप खुला लेते हैं कोर्ट से तो उसके बाद आपकी एक सालसी काउंसिल होती है जो आपको बुलाती है उधर से भी पार्टी को उधर से भी पार्टी को कि दोनों का अगर कोई पैचअप होता है तो करवा दें। तो ये सालसी क्या है, ये आर्बिट्रेशन ही है, ये ADR ही है, ये ऑपोजिट मेथड ही है टू द नॉर्मल लिटिगेशन, ठीक है। कहता है जी फैमिली लॉज बिजनेस डिस्प्यूट्स आपके जो सुलझाने हैं उसमें मोर प्राइवेट एंड ऑफन लेस अच्छा एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। तो यानी आपके फैमिली लॉज, आपके बिजनेस डिस्प्यूट्स, आपके इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स भी सुलझाने के लिए ADR को इस्तेमाल किया जाने लगा आज के दौर में। कहता है इट इज़ वैल्यूड फॉर बींग फास्टर, ADR को इसलिए अहमियत दी जाती है कि ये फास्टर है यानी मसले जल्दी से हल हो जाते हैं, मोर प्राइवेट ज़्यादा प्राइवेट है, आपको अदालतों में घसीटे जाने की मतलब नौबत नहीं आती है और प्राइवेटली आप आपस में बैठ के मसले तय कर लेते हैं, एंड ऑफन लेस एक्सपेंसिव और आपके इतने पैसे भी नहीं लगते हैं देन ट्रेडिशनल कोर्ट केसेस जितने कि आपके कोर्ट्स में जाके लग जाते हैं। कहता है ADR हेल्प्स पीपल फाइंड म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशंस विदाउट द एडवर्सरियल नेचर ऑफ कोर्ट रूम। तो एडवर्सरियल नेचर क्या है, जो आप कोर्ट्स में जाते हैं केस फाइल करते हैं और सारा प्रोसीजर से गुजरते हैं, हेयरिंग पे जा रहे हैं सुबह 8 बजे हेयरिंग पे पहुंचे हैं 3 बजे बारी आ रही है, लाइन में लग लग के सारा दिन भी जलील हो गए, 1000 रुपये की दिहाड़ी भी टूट गई है, 1500 घर लेके जाना था वो भी नहीं गया, घी भी नहीं जाएगा आज घर, आटा भी नहीं जाएगा, गंदम भी नहीं जाएगी, वजह क्या है आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज तो हेयरिंग थी, ठीक है, सारा दिन कोर्ट में खजल भी हो गए, फैसला भी कोई नहीं हुआ, आगे क्या पता लगा जी जज साहब ने डेट कर दिया 15 दिन की, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, रोजी रोटी के आगे लाले पड़ रहे हैं और आप जो एडवर्सरी सिस्टम को पढ़े हैं। तो कहता है इस सब सिस्टम के अगेंस्ट, इस सब सिस्टम के अल्टरनेटिवली जो सिस्टम था वो ADR था, दैट्स वाई जिसको इसको जो है वो आज के दौर में मॉडर्न इरा में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन हासिल है और अब ADR को प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे पार्ट टू में आपने देखा है अब ऐड किया गया, पहले ये ADR प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं था, तो मतलब इंपॉर्टेंस अब इसकी है तो ही ये ऐड किया गया। तो ठीक है, यहाँ से अपन अंदाजा लगा सकते हैं ADR कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि ADR है क्या, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका बैकग्राउंड, रोमन और ग्रीक भी यूज़ करते थे, मॉडर्न यूरोप ने भी किया, 19वीं सेंचुरी में जो मर्चेंट्स आए, अर्बनाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तब भी ये हुआ, 20वीं सेंचुरी में जब कोर्ट्स में केसेस की तादाद बहुत बढ़ गई तब इसने ज़्यादा रिकग्निशन हासिल की, ठीक है। और आज के दौर में तो सबसे बेहतरीन ADR जा रहा है क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। देखे ना, मुझे मेरे वाल साहब कहते हैं यार वो ना ज़मीनें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो वो अजीबा आपको पता है पानी का मामला वगैरह आता है, नहरी पानी जो यूज़ करते हैं, वो पहले 13-14 हज़ार रुपया आता था 32 एकड़ का, वो दे देते थे, इस दफ़ा
कोई लाख रुपया आ गया सीधा ही, हालांकि हम यूज ही नहीं करते, नहरी पानी आता ही नहीं है, और पर्सनल जो मोटर वगैरह लगी है उसकी जो है वो लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपया बिल भर है। एनी हाउ उन्होंने कह दिया कि भाई वो मामला जाना उस पर स्टे ले दो। बच्चा वकील है, मतलब बजाते खुद मुकल्लम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एडवोकेट वजी एहसन अलवी साहब बड़ा नाम है, तो वकील है, और 2 हफ्ते हो गए हैं, बाप पीछे है कि यार स्टे ले लो, टाइम नहीं है भाई। सुबह आते हैं यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स तैयार करते हैं, यहाँ से जाते हैं, घर बच्चे बैठे होते हैं उनको पढ़ाना होता है, वहां से जाते हैं, रात को 10 बजे बैठा हूँ, 2 बजे तक सिर्फ ADR के ये एक क्वेश्चन तैयार किया है, एवे नहीं हो जाता है। ठीक है, 2 बजे फ्री वहां सो गया, सुबह 6 बजे उठा, कमर अभी दर्द कर रही है, टाइम नहीं है। वजह क्या है? टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो लोग क्यों जलील होंगे अदालतों में, लोग क्यों जलील होंगे वकीलों के पीछे, लोग क्यों पैसा भरेंगे अपना, टाइम नहीं है भाई। टाइम को बचाने के लिए आज के दौर में ADR बेस्ट है। अब समझ आ गई ADR क्या है। आगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ADR, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर की, के ADR की नेचर कैसी है। सबसे पहला पॉइंट है नेचर के हवाले से वॉलंटरी, वॉलंटरी कह लें, कहता है जी ADR इज ऑफन चूजन बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। वॉलंटरी मतलब आपकी अपनी विल है, अपनी अपनी चॉइस है। मीटिंग खत्म होने वाली है, 4 मिनट है मीटिंग में, अगर खत्म हो जाएगी तो भागना नहीं है, लिंक अगेन शेयर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब क्या है वॉलंटरी में, कि मतलब आप अपनी विल से चूज करते हैं। मेरा और अब्दुल्ला का झगड़ा है ना, तो हसीब आके हमें गर्दन से पकड़ के नहीं लेके जाएगा कि भाई नहीं तुसा केस नहीं फाइल करना, तुसा जड़ा है ना आर्बिट्रेशन में लाओ, मेडिएशन ना लाओ, कंसिलेशन ना लाओ, ते निगोसिएशन ना। नहीं, हसीब फोर्स नहीं करता है, मैं खुद समझता हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। अब्दुल्ला को खुद पता है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि यार ना तेरे को टाइम है ना मेरे को टाइम, ना तेरे को ना खुन्ना पैसा है कि वकीला ना दई ना मेरे को ना पैसा है। ठीक है, तो आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। तो मतलब वॉलंटरी हम जो है वो चूज करते हैं देमसेल्व, खुद अपनी पार्टी खुद चूज करती है। मीनिंग दे एग्री टू यूज ADR मेथड्स, ADR मेथड्स में से कोई भी तरीका वो चूज कर सकते हैं, ADR, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, निगोसिएशन, चारों में से कोई तरीका भी इस्तेमाल करके आप रजामंद हो जाते हैं कि ठीक है हम चूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। हम कहते हैं कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। दिस वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हेल्प्स इंश्योर दैट बोथ साइड्स आर विलिंग टू वर्क टुवर्ड्स आवर रेजोल्यूशन। ये शो करता है कि दोनों पार्टी जो है ना किसी बात के हल की तरफ जो है वो आना चाह रही है। अगर कोई एक भी कोर्ट की तरफ जा रहा हो ना, तो यार तेरे वेखी मैं डंट कट के रख दें, होता ना तो चल पुत्र हूँ मैं तेरिया नकदियाँ लकीर कटावाना, होता है ना। वो वकील को स्पेशल पैसे देते हैं कि यार डेटा लैनी है बस, मतलब एड लटकाना ही बस, इस केस डिसाइड नहीं करना, उसी चीज़ के पैसे लेते हैं सर। ठीक है, तो वॉलंटरी मतलब हम अपनी रजामंदी से, नेचर ये ADR की कि अपनी रजामंदी से आप इसको चूज करते हैं। ठीक है, कोई फोर्स या प्रेशर नहीं होता है। नंबर सेकंड पे है फ्लेक्सिबल, तो ADR जो है ना फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। कहते हैं ADR मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू सूट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। जो पार्टीज आपस में इन्वॉल्व होती हैं उनकी, उनको जो भी चीज़ सूट कर रही है, आर्बिट्रेशन सूट कर रही है तो आर्बिट्रेशन चूज कर लो, मीडिएशन सूट कर रही है तो मीडिएशन चूज कर लो, कंसिलिएशन सूट कर रही है तो कंसिलिएशन चूज कर लो, निगोसिएशन सूट कर रही है तो निगोसिएशन चूज कर लो। तो मतलब फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, उनकी आसानी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मीडिएशन कैन बी शेड्यूल्ड एट टाइम दैट वर्क फॉर एवरीवन। यानी कोर्ट की टाइमिंग क्या है, 8 से 4 है, उसके दौरान 8 बजे अगर बेल है तो 8 बजे आप अदालत के बाहर होंगे, अदरवाइज बेल डिसमिस्ड, जैसा आप फाइल उठा के मुंह पे मार देंगे, निकल जा टाइम पे नहीं आया। हाँ, अगर बीबी हो तो बात और है, और अगर बंदा हो तो बात, मतलब मेल वकील चल जाए ना, ये ना हो जस्टिस साहब ही बुला ले, मेल बंदा हो, मैंने देखा फाइल उठा के मुंह पे मार देता है, फीमेल जी कैसे कहाँ से कैसे लेट हो गए हैं। तो क्या है कि बाकी जो एडवर्सरियल सिस्टम है ना उसमें आपको पूरे टाइम पे कोर्ट में जाना पड़ता है। अदालत कहती है कि मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बैठूँ और तुम्हें सुनूँ, लेकिन मीडिएशन क्या कहती है, अब्दुल्ला साहब जब आपके पास टाइम हो आ जाइएगा, वजी साहब जब आप कहेंगे टाइम रख लेंगे, दोनों पार्टीज जब एग्री होती हैं शाम 4 बजे बैठ के कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या फिजिबल होता है दोनों पार्टीज की, देखें ना ग्लोरिया जीन्स बैठ के चाय का कप पी रहे हैं, झगड़े सुलझा रहे हैं, हो सकता है ना मीडिएटर को पैसे दे दें भाई यहाँ पे ग्लोरिया में आके हमारा मसला सुन, हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई यहाँ पे आके सुन दो। ठीक है, तो कहते हैं जो टाइम इजीली होता है ना कन्वीनियंट होता है सबके लिए वो, एंड द प्रोसेस कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन व्हाट द पार्टीज नीड टू डिस्कस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग,
तो पहली नेचर की बात यह है कि ये वॉलंटरी एक्शन होता है आपका, अपनी रजामंदी से आप चूज करते हैं, प्रेशर नहीं। दूसरा है कि फ्लेक्सिबल होता है, आपकी जो नीड है उसके मुताबिक, जब आप फिजिबल हैं उसके मुताबिक, जब आप टाइम देंगे उसके मुताबिक कर लें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेचर का नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियल। कोर्ट में आप जाते हैं, आप लेट सपोज आप, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, किसी के साथ जना हो जाता है, तो वो लड़की जब जा रही है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे 120 वकील पीछे बैठे, बाबे से लेके जवान तक, ऐसे हसीब साहब ऐसे ऐसे बैठे देख रहे हैं, और जज साहब बहस में पूछ रहे हैं, हाँ जी क्या हुआ था, तो यू हैव टू टेल क्या हुआ था। ठीक है, कोर्ट के अंदर वकील दूसरा भी खड़ा, ये भी खड़ा है, यू हैव टू टेल क्या हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन भला कौन से होते हैं, अल्लाह माफ करे, कपड़े किस रंग के पहने हैं, ठीक है, आगे आप समझ आए। तो मतलब प्राइवेसी नहीं होती, सीक्रेसी नहीं होती, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। कहते हैं अनलाइक कोर्ट केसेस विच आर पब्लिक, कोर्ट केसेस पब्लिक होते हैं, हसीब का भी केस लगा वो भी आया, नईम का भी केस लगा वो भी आया, अब्दुल्ला का भी केस लगा वो भी आया, मीटिंग खत्म हो गई है, इसको भी पॉज कर लें। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कि नेचर में कॉन्फिडेंशियल होता है ये एडीआर का सारा प्रोसेस, मतलब जिन दो लोगों के आपस में मामला है, यानी मेरा और हसीब का मामला है, तो मैं और हसीब ही वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगे, हमारे दरमियान ही मामला तय करवा रही होगी वो जो मीडिएटर है या कंसिलिएटर है या आर्बिट्रेटर है, जो भी जिसके थ्रू भी हमने चूज़ किया है, वो हमारा कॉन्फिडेंशियल होगा। ऐसा नहीं है कि चाचा हनीफ का केस लगा है वो भी सुन रहा है कि होया सी, हैं, चाचे नथू का केस लगा है वो भी सुन रहा है कि होया सी, हैं, चाचे आलमदीन भी वहाँ पे मौजूद है वो भी सुन रहे हैं हाँ कि होया सी, हैं। तो मतलब जैसे कोर्ट्स में होता है वैसे फिर एडीआर में नहीं होगा, इसकी नेचर ये है कि आपकी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। फिर है कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब आपस में मामला तय करके, मतलब कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं, कोर्ट्स में कोलैबोरेशन के साथ नहीं चलते हैं। कोर्ट में मतलब हसीब का वकील कह रहा होगा डेट नहीं होने देनी आज, आज बहस करा के छड़नी है, लेकिन मेरी पार्टी के, मेरी पार्टी ने मुझे कहा हुआ है कि वकील साहब डेट ले लीजिए आज, अगर तुम डेट दवा छिड़ना वकील साहब यकीन करो 50,000 एक्स्ट्रा है, तो वकील साहब ने तो अपना डेथ सर्टिफिकेट भी बनाना पे तो बनवा लेना है, जूनियर नु कहना है जाके अदालत में दे दे के वकील साहब मर गए ना। तो उस दिन तो फिर डेट हो ही जानी है ना कि वकील साहब नहीं रहे इस दुनिया में, तो कोई और वकील नेक्स्ट पार्टी करेगी, तो फिर तो ये क्या है कि वहां पे कोलैबोरेशन के साथ नहीं चलते हैं। एक पार्टी की कोशिश होती है कि यार एनू मैं तुनवाना है हर हाल में, तो कोलैबोरेशन नहीं ना होती, लेकिन एडीआर की टेक्निक क्या कहती है, नेचर क्या कहती है कि कोलैबोरेटिव होता है दोनों पार्टी आपस में मिलके, जैसे मैंने आगे मिसाल दी थी ग्लोरिया पे बैठ के डिस्कस करेंगे हैं। तो कहते हैं एडीआर फोकसेस ऑन वर्किंग टुगेदर टू फाइंड द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज इकट्ठे जो है वो बातचीत करेंगी और इकट्ठे एक कॉमन जो है वो सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगी, इंस्टेड होविंग हैविंग अ विनर एंड अ लूजर। कोर्ट में क्या होता है, मैं केस जीत ले हैं और दूसरे का होता है हराता ही है, एक का वकील जो है बड़ा ऐसे बाहर आता है कोर्ट को करता करता, दूसरा वगैरह चाड़ता हुआ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे विन और लूज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल बैलेंस्ड, दोनों जिस बात पे आगे कंप्रोमाइज कर लें वो बात कर देंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं। एडीआर एम्स टू रीच अ म्यूचुअली एग्रीएबल आउटकम्स विच कैन हेल्प मेंटेन और इम्प्रूव रिलेशनशिप, इससे आपके रिलेशनशिप मजीद अच्छे हो जाते हैं और झगड़े भी आसानी के साथ सुलझ जाते हैं। तो बड़ा कितना अच्छा सिस्टम है, बड़ा बड़ा एडीआर है एडीआर। अच्छा, तो ये इसकी नेचर के हवाले से हमने चार पॉइंट्स देख लिए। अब बढ़ना है इसका स्कोप, स्कोप में सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। कहते हैं एडीआर कैन बी यूज फॉर मैनी काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग फैमिली इशूज, आपके बिजनेस डिसएग्रीमेंट्स हैं, दो लोगों ने आपस में बिजनेस किया उसमें कोई डिसएग्रीमेंट आ गया, उसके ऊपर भी आप एडीआर टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक्स में बाबा बता रहा हूँ चार हैं, उन्हीं के अगर तो पूरा एडीआर घूमना है, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, निगोसिएशन है, इनको भी इसी क्वेश्चन में पढ़ लेना, वो जो टेक्निक्स का है ना वो टेक्निक्स यही है, उनका प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट किया जाता है वो भी यहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड लेबर कन्फ्लिक्ट, लेबर के आपस में कन्फ्लिक्ट आ गए तो वहाँ पे, तो ये डिफरेंट डिस्प्यूट्स के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इसका स्कोप है। देन है जी हमारे पास स्कोप में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स, और टेक्निक्स में हमारे पास चार टेक्निक्स हैं आ गया, मेडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, निगोसिएशन है, कंसिलिएशन है, ये डिफरेंट तरह की चार टेक्निक्स हैं, इनमें से कोई भी चूज कर लें जो आपकी रजामंदी, जिसमें आप इजी फील करते हैं। कहते हैं मेडिएशन में क्या होता है, कहता है न्यूट्रल मेडिएटर हेल्प्स द पार्टीज कम्युनिकेट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, एक मेडिएटर आता है दोनों पार्टीज को बैठाता है और कहता है दसो यार की करना है,
हैं, चल ना तेरी ना मेरी, ऐसे लोग कर होंगे ना हसीब साहब। तो ये मीडिएशन है। आर्बिट्रेशन कहते हैं एन आर्बिट्रेटर मेक्स अ डिसीजन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर चूज किया जाता है, वो डिसीजन मेड आउट करता है और जो भी डिसीजन मेड आउट करेगा वो पार्टीज पे बाउंड है कि पार्टीज उसको फॉलो करेंगी, कोई चूं चढ़ाए नहीं करेगा क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर लगाया था। देन एन निगोसिएशन कहते हैं पार्टीज डायरेक्टली डिस्कस एंड एग्री ऑन अ रेजोल्यूशन। निगोसिएशन पार्टी डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब ग्लोरिया जीन्स पे बैठ के कप ऑफ टी, हाँ भाई अब्दुल्ला हैं, आपस में मामला तय कर लेंगे। देन एन कंसिलिएशन कहता है अ कंसिलिएटर सजेस्ट सॉल्यूशंस एंड हेल्प्स द पार्टीज कम टू एन एग्रीमेंट। एक कंसिलिएटर आएगा, वो कहेगा सीफ साहब ऐवी हो सकता है जी, वजी साहब ऐवी हो सकता है जी, सीफ साहब एंड कर लो, वजी साहब एंड कर लो, एक पॉइंट पे ले आएगा, ठीक है, दैट इज कंसिलिएशन। तो ये चार टेक्निक्स हैं जो कि पूरे एडीआर में इस्तेमाल होते हैं। देन है ग्लोबल यूज। एडीआर सिर्फ आपके गाँव मोहल्ले या आपके कोटली गाजी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्रीम पार्क है, एक अरसा गुजरा है मेरा वहाँ पे 2-4 साल है, और अब्दुल्ला का लाल फूल है, यहाँ से डेली गुजर होता है, नईम का भी क्रीम पार्क भी ऑलमोस्ट है, कोई बात नहीं। तो क्या है कि ग्लोबली मतलब हमारे क्रीम पार्क, कोडली गाजी या जल्लों की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये पूरी यूनिवर्स में एडीआर जो है वो यूज होता है, इसका इतना ज्यादा स्कोप है। कहते हैं एडीआर इज यूज अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड लीगल सिस्टम्स। इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर बीइंग इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड लीगल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ऑल ओवर रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए इसका बड़ा स्कोप है। देन अ कॉस्ट एंड टाइम के लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम लगता है इसका, ये इसका स्कोप है। एडीआर इज यूजुअली फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन द गोइंग टू द कोर्ट। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस आर लेस फॉर्मल एंड देयर आर फ्यूअर लीगल फीस एंड कोर्ट कॉस्ट, मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्विकली एंड अफोर्डेबली। यानी कोर्ट्स की इतनी फीस भी नहीं होती हैं, कोई इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, इसलिए जो आसानी के साथ मामले जाओ टैकल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया भाई जान एक क्वेश्चन के एडीआर है क्या, एडीआर का बैकग्राउंड क्या है, एडीआर की नेचर क्या है, एडीआर का स्कोप क्या है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडीआर, इट्स नेचर एंड स्कोप एंड बैकग्राउंड, तो आपने ये सारा छापा लगा देना है। ठीक साहब, इसके साथ एडिशनली एक चीज ऐड की है जो कि क्वेश्चन की लेंथ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पूछ लेता है, नेचर स्कोप नहीं पूछता है, सिर्फ बैकग्राउंड पूछ लेता है, तो आपने ये जो मैंने नीचे पॉइंट्स दिए हैं ना, यानी गोल्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन गोल्स क्या हैं, ये साथ लिख देने हैं। सिर्फ बैकग्राउंड पूछा है ना, तो बैकग्राउंड के साथ ये गोल्स भी लिख देने हैं क्वेश्चन पूरा, लेकिन बैकग्राउंड नहीं पूछा आपसे, नेचर और स्कोप सिर्फ पूछ लिया है, तो नेचर और स्कोप के साथ भी आपने ये वाले गोल्स साथ लिख देने हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये एक बीच में आपको वो कहते हैं ना नोट दी है कि जो जहां मर्जी घुसा दो, ठीक है, काम आ जाएगा। तो ये गोल्स देख लेते हैं कि डिस्प्यूट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, 4 घंटे 5 घंटे लगाते हैं ना जब एक क्वेश्चन के लिए, तो फिर ये सारी चीज़ें बनती हैं सीफ साहब, ये डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं। तो गोल्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के गोल्स क्या हैं, मकासद क्या हैं एडीआर के। कहता है फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द एडीआर। सबसे पहला एफिशिएंसी, एआर एफिशिएंसी के साथ मामला तय करने हैं। कहता है एडीआर एम्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स मोर क्विकली देन गोइंग टू कोर्ट इंस्टेड ऑफ वेटिंग months or years for a court date। ADR processes like mediation and arbitration can scheduled much sooner, helping parties settle their issues faster। तो यानी जो आपकी courts होती हैं वो months, जैसे मैंने आगे बताया कि हाई कोर्ट में आज आपकी डेट है, ये दूसरी डेट आपकी 3 महीने बाद आनी है। आप जुलाई अगस्त हाई कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही हैं, अर्जेंट मैटर चल रहे हैं, बाकी जिसका कोई फैमिली, जिसका कोई बच्चे का खर्चा था, जिसकी कोई वैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला था, उसकी जून में या जुलाई में जो डेट पड़ी थी वो दिसंबर में जा उसकी डेट आनी है, तो बीच के 5-6 महीने तो जलील होगा ना बेचारा। तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टेक्निक्स हैं, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सूनर डेट्स आपके लिए आती हैं, मामला को जल्दी जो है वो हल करवा देती हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए वन ऑफ द गोल इज एफिशिएंसी। देन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कहता है गोइंग टू कोर्ट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। वकील को 10 लाख दो, मुंशी को 10,000 रुपया केस फाइल करने का दो, चल रहा है, कॉपीज का अलग से दो और नोटरी के अलग से दो, एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। कहते हैं एडीआर मेथड्स आर जनरली लेस कॉस्टली, मेकिंग इट अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस फॉर द रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो ये भी इसका गोल है, वालेकुम अस्सलाम। देन है फ्लेक्सिबिलिटी, आप खुद ही पढ़ लेंगे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी ऊपर आ गया, और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, दोनों म्यूचुअली जो है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक चीज़ होगी भाई जान है,
अगर बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और बैकग्राउंड की सारी हेडिंग्स लिख के ये गोल्स लिख देने, क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एडीआर, इट्स नेचर एंड स्कोप, तो आपने वो सारा इंट्रोडक्शन लिख के, मीनिंग लिख के, डेफिनेशन लिख के, वो सारे नेचर और स्कोप के पॉइंट लिख के और ये वाले गोल्स के पॉइंट्स 5 लिख देने हैं और देन नीचे वाला कंक्लूजन एंड पे जो है वो लिख देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इससे हटके एक क्वेश्चन आता है आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है कि व्हाट इज एडीआर, एडीआर क्या है, राइट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एडीआर, एडीआर के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में लिखें। वो टेक्निक्स कौन सी हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये चार तरह की टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के बारे में लिखें और द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दीज टेक्निक्स। आर्बिट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस इख्तियार किया जाता है, कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, कैसे सूट लेके जाना है, कैसे मामला चलना है। मीडिएशन के लिए कौन सा प्रोसेस इख्तियार किया जाता है, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है। कंसिलिएशन के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है और नेगोशिएशन के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है सी सर, कि एडीआर क्या है, एडीआर टेक्निक्स क्या है और उन टेक्निक्स के लिए प्रोसेस जो इस्तेमाल होता है वो क्या है। ठीक है, तो इंट्रो सेम रहना है, इंट्रो सेम रहना है, मीनिंग ऑफ एडीआर वही सेम रहना है, डेफिनेशन ऑफ एडीआर वही सेम रहनी है और आपने बीच में से बैकग्राउंड को भी छोड़ देना है, आपने बीच में से नेचर और स्कोप को भी छोड़ देना है और आपने बीच में से गोल्स ऑफ एडीआर को भी छोड़ देना है और आपने आ जाना टेक्निक्स ऑफ एडीआर पे। और जब टेक्निक्स ऑफ एडीआर पे आएंगे तो टेक्निक्स में आपने सबसे पहले लिख देना है कि एडीआर इज कंसिस्ट ऑफ फोर मेन काइंड्स टेक्निक्स एज अंडर, फोर मेन इसकी काइंड्स एंड या टेक्निक्स। सबसे पहले आर्बिट्रेशन, नंबर सेकंड पे नेगोशिएशन, नंबर थर्ड पे मेडिएशन, नंबर फोर पे कंसिलिएशन। अब बारी बारी डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, नेगोशिएशन क्या होता है, इसका प्रोसेस कैसे है, इसकी एग्जांपल क्या है, मीडिएशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, कंसिलिएशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है। मैं कहता हूँ आज का क्वेश्चन अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया ना, एडीआर तो हो गया, सबसे पहले आर्बिट्रेशन पढ़ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्चुअली होता क्या। कहता है आर्बिट्रेशन इज अ मेथड वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, मेरा और असीब का कोई मामला हो गया है और हमने एक न्यूट्रल बंदा लिया है अब्दुल्ला, ठीक है, जो ना मुझे फेवर करेगा ना हसीब को फेवर करेगा, एक न्यूट्रल बंदा, न्यूट्रल पर्सन, कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर, और उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन के लिए जो बंदा अपॉइंट किया गया है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मीडिएशन के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा उसको बोलेंगे मीडिएटर, कंसिलिएशन के लिए जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा उसको बोलेंगे कंसिलिएटर। ठीक हो गया, ये पढ़ें। अच्छा, एक बंदा तीसरा अपॉइंट कर लिया है और वो न्यूट्रल बंदा है और उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। कहते हैं लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड मेक्स अ डिसीजन टू रिजॉल्व इट। ये क्या करता है, ये जो तीसरा बंदा है ये क्या करता है, ये दोनों साइड्स को सुनता है, ये मुझे भी सुनेगा, ये हसीब को भी सुनेगा और दोनों साइड्स को सुन के क्या करेगा, एक डिसीजन कर देगा जो भी मसला इन हैंड है उसको रिजोल्व करने के लिए। दिस डिसीजन इज यूजुअली फाइनल एंड मस्ट बी फॉलोड। तो ये जो आर्बिट्रेटर था ना, इसने जो भी फैसला किया वो फाइनल है और इसको फॉलो ही करना होगा। सिमिलरली टू द कोर्ट जजमेंट, कोर्ट में क्या हुआ था, हसीब का और मेरा झगड़ा था, हमने वकील किए, कोर्ट फाइल केस किया, 20 साल के बाद कोर्ट ने फैसला दिया और वो फैसला हमें मनोमन तस्लीम करना था, हसीब को और मुझे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपील में जा सकते थे, फिर अपील का फैसला आ जाना था, वो तस्लीम करना उससे एट द एंड करना था एक्सेप्ट, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में क्या हुआ कि हमने खुद ही, हम जज साहब के पास नहीं गए जो कि इतनी तलीम हासिल करके बेचारा डिग्रियां लेके बैठा, हम आर्बिट्रेटर के पास चले गए, वो भी पढ़ा लिखा ही होता है, लॉ पढ़ा होता है उसने, फिर ही तो फैसले कर सकता है। हम आर्बिट्रेटर चूज कर लिया हमने, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, ये बंदा हमें पसंद है, ठीक है, चूज कर लिया। अब वो बंदा कोई फैसला दे देगा हम दोनों के दरमियान जो भी मसला उस पर, और हम दोनों ने उस फैसले को मनो अन तस्लीम करना है, सीधा बात खत्म होगी। आर्बिट्रेशन समझ आ गया, आर्बिट्रेशन है क्या, दो बंदे झगड़ा उठ खड़ा हुआ है, दोनों बंदे ने क्या किया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक न्यूट्रल तीसरा बंदा अपॉइंट कर लिया, उस तीसरे बंदे ने विदाउट एनी ब्यास, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फेवर फैसला दे दिया, दोनों पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करना है, दैट इज आर्बिट्रेशन। को मसला उस बंदे को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेट। प्रोसेस कौन सा है, सबसे पहले एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करना होगा,
कहता बोथ पार्टीज एग्री टू यूज आर्बिट्रेशन ऑन सेटल देयर डिस्प्यूट ऑफन आउटलाइंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, से एक स्टार लेके आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस पे, मैं पार्टी वन हसीब पार्टी टू बोथ आर एग्री ऑन दीज 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 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अपॉइंट दिस दैट आर्बिट्रेटर टू डिसाइड आवर मैटर इन हैंड and we will agree upon the matter as it is decided by the arbitrator that is signed and sealed under our hand. Agreement हो गया, सीब ने मैंने कह दिया ये terms and conditions use कीजिए, ये हम arbitrator choose कर रहे हैं, ये हमारा फैसला कर दे, हम उसको मान लेंगे, उसके भी अंगूठा साइन लग गए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैंने अंगूठा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट, यानी यहाँ से आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। क्वेश्चन आना है कि टेक्निक्स कौन सी हैं एडीआर की और प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो एग्रीमेंट हमने सबसे पहले उस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने एग्रीमेंट कर लिया कि सीट अब ये हो गया। देन सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, फिर हम सिलेक्ट करेंगे, नईम बैठा है अब्दुल्ला बैठा है, तो हम देखेंगे कि यार कौन सा बंदा है, तो हम कहेंगे जी हमने मिलके हसीब कहता नहीं जी नईम, क्योंकि नईम उसका मोहल्लेदार है, और मैं कहता हूँ अब्दुल्ला क्योंकि अब्दुल्ला मेरे साथ रहता है, तो झगड़ा उठ खड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अली भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे रूम पे, तो अली भाई को कॉल कर लेते हैं और अली भाई को कहते हैं मेहरबानी करके बीइंग आर्बिट्रेटर हमारा मसला हल कर दें। तो एग्रीमेंट के बाद सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, हम आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करते हैं। कहते हैं द पार्टी चूज एन आर्बिट्रेटर हु इज एन एक्सपर्ट और इम्पार्शियल पर्सन इन द रेलेवेंट फील्ड, जिस फील्ड से रिलेटेड मसला है, अगर मेडिसिन से रिलेटेड मसला है तो मेडिसिन का बंदा, अगर नार्को कह लें लॉ से रिलेटेड को मसला उठ करना, ट्रेड से रिलेटेड मसला उसमें, फैमिली से रिलेटेड मसला है आर्बिट्रेशन उसमें, जिस फील्ड से रिलेटेड आर्बिट्रेशन करनी है उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा आपने आर्बिट्रेटर जो है चूज करना है। तो पहले नंबर पे प्रोसेस में एग्रीमेंट करना है आपस में कि हम आर्बिट्रेशन चूज करने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे सी साहब आर्बिट्रेटर को चूज करना है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ केस, ठीक है, कहते हैं ईच साइड प्रेजेंट देयर एविडेंस एंड एग्रीमेंट्स टू द आर्बिट्रेटर, हसीब साहब अपना एविडेंस और एग्रीमेंट आर्बिट्रेटर के सामने पेश करेंगे, मैं अपनी एविडेंस और एग्रीमेंट जो है वो आर्बिट्रेटर के सामने पेश कर दूंगा। उसके बाद डिसीजन है, कहता है द आर्बिट्रेटर मेक्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव हर्ड, जो हसीब साहब ने कहा, जो मैंने कहा, जो उसने सुना, सुनने के बाद जिस पॉइंट पे वो पहुंचा उसने फैसला दे दिया, दिस डिसीजन इज कॉल्ड अवार्ड। जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट कोई भी फैसला करती है तो उसको आप बोलते हैं जजमेंट, क्या बोलते हैं जजमेंट, और जजमेंट जब फाइनल हो जाती है तो बन जाती है डिग्री, ठीक है। जब आप आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आर्बिट्रेशन ने जो डिसीजन दिया है उसको आप बोलते हैं अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड आप पार्ट फोर में जाकर किसी पॉइंट पर लंबी डिस्कशन इस पर करेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लें कि इस डिसीजन को आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। देन है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी डिग्री पास होती है ना, आपका घर था आपके हक में डिग्री पास होगी सीब साहब, लेकिन आपको उस घर का कब्जा भी तो दिलवाना है ना, पुलिस साथ जाएगी, बेलक साथ जाएंगे और साथ जाके कब्जा दिलवा के देंगे। अब आर्बिट्रेटर ने फैसला कर दिया, डिसीजन दे दिया, तो डिसीजन क्या हवा में खड़ा रहेगा, दोनों पार्टी डिसीजन लेके कॉपियां घर में जाके सामने लगा के रोज उठ के देखा करेंगे फैसला ले लिया है, ऐसा नहीं है। जो फैसला हुआ उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है, ठीक है, उसको अमल दरामद भी करवाना है। तो कहते थे पार्टीज फॉलो द आर्बिट्रेटर डिसीजन विच इज यूजली बाइंडिंग, तो वो बाइंडिंग होता है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब आर्बिट्रेशन की एक मिसाल ले लें साथ ही, कहता इमेजिन अ कंपनी एंड अ सप्लायर हैव अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी थी और एक सप्लायर उसको मेडिसन जो है वो डिलीवर करता था। अब कंपनी के दरमियान और सप्लायर के दरमियान असीफ साहब एक डिसएग्रीमेंट आ गया, कहता दे एग्री टू यूज आर्बिट्रेशन टू सोल्व द इशू, उन्होंने कहा यार हम कोर्ट में धिक्के नहीं खाते, आर्बिट्रेशन के थ्रू मामला तय कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो सप्लायर है और ये जो कंपनी का मालिक है, ये क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपने दरमियान एक आर्बिट्रेटर चूज करेंगे, फिर क्या करेंगे अपनी अपनी एविडेंस प्रेजेंट कर देंगे, डिसीजन आ जाएगा फॉलो कर, बात खत्म, कोई लंबे चक्कर रोल पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने आना है, ठीक है। कहता बोथ द कंपनी एंड द, अच्छा दे चूज एन आर्बिट्रेटर हु स्पेशलाइज इन बिजनेस डिस्प्यूट्स, बोथ द कंपनी एंड द सप्लायर प्रेजेंट देयर साइड्स ऑफ द केस टू द आर्बिट्रेटर, आफ्टर रिव्यूइंग द एविडेंस एंड द एग्रीमेंट द आर्बिट्रेटर मेक्स अ डिसीजन ऑन हाउ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एनफोर्स्ड, द कंपनी एंड द सप्लायर मस्ट देन फॉलो द डिसीजन दैट्स ऑल। आर्बिट्रेशन समझ आ गई, आर्बिट्रेशन क्या है, दो बंदे हैं, कोई झगड़ा हो गया है बिजनेस रिलेटेड,
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਵਾਂਗੇ ਤੋਂ ਗਲੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਆ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਆ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਆ ਦੋਨਾਂ ਕਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੀਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਰਿਜੋਲਵ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝਗੜੋਂ ਕੋ ਰਿਜੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਕਹਤਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਅਰ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਬ ਉਸਮੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਆ ਥਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਟੂ ਰਿਜੋਲਵ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਔਰ ਰੀਚ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਇਸਮੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਖਾ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਊ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵਰਕਸ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਬਈ ਐਸੇ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਰ ਨੈਗੋਸੀਏਟ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਥੇ, ਚਾਰੋਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੋਸੀਏਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀਚ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਬਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ, ਗੋਲਸ ਐਂਡ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ। ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ 17 ਕਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ 17 ਕਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ 17 ਕਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਟੋਟੋ ਮੇਂ ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਟੁਕਰੋ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਹਸੀਬ ਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਝੇ 10 ਕਨਾਲ ਦੇ ਦੋ, ਉਸਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਗੋਲਸ ਨੀਡਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸੀਬ ਕੋ 10 ਕਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਸੀਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸ ਕੋ 5 ਕਨਾਲ ਕੀ ਔਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਦੈਨ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਤਚੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਵਿਲੇਜ ਡੈਟ ਕਾਇੰਡ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੈਂਕ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਵਟ ਦੇ ਹੋਪ ਟੂ ਅਚੀਵ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਾਅਦ ਆ ਲਈ, ਹਸੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ 5 ਕਨਾਲ ਨਹੀਂ 7 ਕਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ 10 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9 ਦੇ ਦਿਓ, 7 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮੇਕ ਆਫਰ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਆਫਰਸ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜਬ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਬ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਆਫਰਸ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਆਫਰ ਚਲਤੀ ਹੈ। ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਕਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 9 ਕਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣੀ, ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 7 ਕਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ 8 ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਸ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਗਰੀ ਔਨ ਦਾ ਟਰਮਸ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਵੀ ਆ ਗਏ 8 ਕਨਾਲ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ, ਦੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੋ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਏ ਡੀ ਆਰ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਸ ਮੇਂ, ਦੋ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਹੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਹਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ,
वैसे तो एग्जांपल मैंने बेस्ट दे दिया आपको, लेकिन फिर भी ले रहे थे। कहते हैं इमेजिन टाइम बधेरा है, घंटे घंटे के लेक्चर सुनेंगे आप। कहते हैं इमेजिन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट डिसएग्री ओवर द टर्म ऑफ अ लीज रिन्यूअल। मैं हसीब से एक किराए पे घर लिया हुआ है और मैं उसमें रह रहा हूँ, 11 महीने पूरे हो गए हैं, अब रीन्यू करना है इसको। अब हसीब साहब कह रहे हैं नहीं भाई जाना, 12,000 अगे दें दे वैर की, तो मैं थोड़े को 24 लेना। मैं कहता हूँ गरीब बंदा हूँ, 15 को दे सकता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसएग्रीमेंट आ गया। कहते दे मीट टू निगोशिएट, वो निगोशिएट के लिए बातचीत चलाएंगे। द लैंडलॉर्ड वांट्स अ रेंट इंक्रीज, वही बात है ना, किसी कहना 12 नहीं 24। वेल द टेनेंट वांट्स टू कीप द रेंट द सेम, मैं कहता हूँ यार 12 ही रहन दे, वही हालात ने जॉब रही कोई नहीं, अल्लाह हाँ कर रहे सब कुछ ही है। कहता दे डिस्कस देयर पोजीशंस एंड निगोशिएट बैक एंड फोर्थ, मैं कहता हूँ यार बच्चे ने बीवी है अल्लाह देगा। तो क्या है कि हसीब अपनी जरूरियात सामने रखता है, अब मेरे पास भी यही मकान है, यही यहाँ से रेंट आता है और मैं मामले अब चलाता हूँ। इवेंचुअली दे एग्री ऑन अ स्मॉलर रेंट इंक्रीज एंड अ लॉन्गर लीज टर्म। तो फिर आफ्टर ऑल हसीब जो है ना एग्री होता है, तो यार चल कुछ नहीं, 3,000 के बाद रहना, चल यार 15,000 दे रही। कहता दे राइट डाउन दिस न्यू एग्रीमेंट टू फाइनलाइज इट, नया एग्रीमेंट लिख लेते हैं, 15,000 देवांगा भाई जान, फिर रहांगा एंजॉय करांगा मौजा मारा। नेगोशिएशन की समझ आ गई। अच्छा जी, देन है मेडिएशन। तीसरी जो टेक्निक इस्तेमाल होती है एडीआर के लिए वो है मेडिएशन। कहते हैं मेडिएशन इज अ वे टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, जैसे आर्बिट्रेटर थर्ड पर्सन था, न्यूट्रल था, इसमें भी मेडिएशन में भी न्यूट्रल है, थर्ड पर्सन है, कॉल्ड मीडिएटर, उसको आर्बिट्रेटर बोलते थे, इसको मेडिएटर बोलते हैं। हेल्प्स द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, जो दोनों पार्टीज आपस में जिनका झगड़ा है ना, हसीब का मेरा आपस में झगड़ा है, निगोसिएशन में क्या था कि हम दोनों खुद ही बैठ गए थे बात करने के लिए, आर्बिट्रेशन में क्या था कि हमने खुद ही बात करके एक तीसरा बंदा चूज कर लिया था। अब मीडिएशन में क्या है कि तीसरा बंदा कोशिश क्या करेगा कि यार हम दोनों बैठ जाएं, वो कहेगा चलो यार फलानी जगह पे आपको बैठाते हैं, मिलके बात करो, बैठो, कोई गल नहीं, देखो मैं थोड़ा वड्डा हूँ, मामला समझो, ठीक है। कार्लमेंट कहता है हेल्प्स द पार्टीज इन्वॉल्व कम्युनिकेट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन दैट बोथ साइड एग्रीज ऑन, मतलब दोनों को बैठाएगा और कहेगा बातचीत करो और ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिससे दोनों एग्री हो जाए, ठीक है। कहता द मीडिएटर डजंट मेक डिसीजंस बट हेल्प्स गाइड द कन्वर्सेशन। आर्बिट्रेशन में क्या था कि आर्बिट्रेटर डिसीजन दे रहा था और वो जो डिसीजन दे रहा था वो हमें फॉलो करना था। निगोसिएशन में क्या था कि कोई तीसरा बंदा नहीं था, आपस में पैचअप हो गया था। अब मीडिएशन में क्या है कि तीसरा बंदा है तो सही, लेकिन तीसरा बंदा सिर्फ कोशिश कर रहा है कि यार बुढ़ी बंदे दी आपस में बन जाए, हस्बैंड और वाइफ की आपस में बन जाए यार किसी म्यूचुअल बात पे आ जाए, वो कोई फैसला नहीं देगा, कोई गाइड कमांड नहीं देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करेगा कि यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर। अच्छा मीडिएशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, सबसे पहले है एग्रीमेंट टू मीडिएट, यानी इसमें भी बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा कहते हैं इसमें भी सॉरी, अच्छा मुझे ना अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर कमेंट भी आया था, आपका ग्लास बहुत चीप है, तो आपने फिर मुझे पानी दे दिया, पता नहीं ग्लास हम चेंज कर सके हैं तब से कि नहीं, आइंदा ख्याल रखना है अच्छे से ग्लास हैं। अच्छा तो इसका प्रोसेस क्या है, मेडिएशन कैसे चलेगी। सबसे पहले एग्रीमेंट टू मेडिएट, मतलब हम एग्रीमेंट करेंगे कि हम मेडिएशन चाहते हैं। कहते बोथ पार्टीज एग्रीज टू पार्टिसिपेट इन मेडिएशन। नंबर टू पे सिलेक्शन ऑफ मेडिएटर, जैसे वहां पे था ना सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन, यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ मेडिएटर है। इनिशियल मीटिंग होगी, बातचीत होगी, कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छा यार करते हैं, कर लेते हैं, ऑफर्स देंगे। देन है मीडिएशन सेशंस, डिफरेंट सेशंस होंगे मीडिएशन के, मुलाकातें डिफरेंट करवाई जाएंगी, चल यार पहली मुलाकात बिना नतीजा हो गई है, चल यार कुछ 10 दिन कटो ना, फिर बहने हैं, फिर करने हैं, फिर कुछ पोलिटिशियन बिच पाते हैं, फिर कोई मजहबी बंदा बिच पाते हैं, फिर कोई दादा चाचा ताया पाते हैं बिच मीडिएशन। फिर द मीडिएटर फैसिलिटेट्स डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज हेल्पिंग देम एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर रेजोल्यूशन है, कहता है इफ द पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट, यानी उस बंदे के कोशिश करने से दोनों पार्टीज एक नतीजे पे पहुंच गई हैं, ठीक है, वकील से वकील के पास बीबी आई खुला गई, उसने कहा बीबी देख खुला लैके की करने, बच्चे तेरे 4 ने, तेनू भी होर लभ जाना, उन्होंने भी होर लभ जाना, बच्चियां कोई नहीं लगना है, मेहरबानी कर है। तो दोनों को बिठाया तो वो किसी पॉइंट पे आ गए, तो ये क्या है रेजोल्यूशन। कहता मीडिएटर हैज देम पुट इनटू राइटिंग डिसएग्रीमेंट,
इज यूजुअली नॉट लीगली बाइंडिंग अनलेस दे चूज टू मेक इट सो, यानी ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता दूसरी पार्टी पे अनलेस वो खुद ना चूज करेंगे हमने इसको लीगली बाइंडिंग बनाना है। एग्जाम्पल ऐसे कहता है, इमेजिन टू नेबर्स हैव अ डिस्प्यूट ओवर अ ट्री दैट हैंग्स ओवर द प्रॉपर्टी लाइन। एक दरख्त है, दो लोगों की प्रॉपर्टी लाइन पे वो जो है लटका हुआ है। दे एग्री टू मीडिएट टू रिजोल्व द इशू, अ मीडिएटर इज चूजन, द बोथ नेबर्स मीट विद द मीडिएटर टू डिस्कस देयर कंसर्न्स, द मीडिएटर हेल्प्स देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यू पॉइंट्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, इवेंचुअली दे एग्री ऑन अ प्लान वेयर द ट्री विल बी ट्रिम्ड, के दरख्त जो है कहाँ से काटा जाएगा, कहाँ से इसको ट्रिम कर दिया जाए, आपकी तरफ से कर दिया जाए, आपकी तरफ से कर दिया जाए, कितना किया जाए, एंड बोथ साइड्स आर सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, और दोनों कहती हैं हाँ ठीक है ये हम पसंद है। तो ये क्या है मीडिएशन। आर्बिट्रेशन क्या थी, दो बंदे थे, झगड़ा था, न्यूट्रल पर्सन चूज किया, एग्रीमेंट किया, पेश किया उसके सामने, उसने डिसीजन किया फॉलो करना है। मीडिएशन क्या था, निगोसिएशन क्या था, दोनों पार्टीज ने आपस में अंदर सामने बैठ के कर लेना। और अब मीडिएशन क्या था कि तीसरा बंदा होगा तो सही, लेकिन सिर्फ बात करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको सोल्यूशन ना मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंसीलिएशन। कहते हैं कंसीलिएशन इज अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, इसमें भी तीसरा बंदा होता है कॉल्ड कंसीलिएटर, जिसको कंसीलिएटर बोलते हैं, हेल्प्स पार्टीज रिजोल्व देयर डिस्प्यूट्स बाय मीटिंग विद देम सेपरेटली। अब इसमें क्या है, मीडिएशन में क्या था कि हसी और मैं इकट्ठे ही बैठे हैं और मीडिएटर जो है ना आगे कह रहा है यार मान लो मेरी गल, ठीक है। और कंसीलिएशन में क्या है कि खदशा है कि हम दोनों बैठेंगे तो फायर भी मार देंगे दूसरे को, तो इसलिए कंसीलिएटर क्या करता है, हसीब से अलग मीटिंग करता है, मेरे से अलग मीटिंग करता है, मेरी जाके हसीब को बताता है, हसीब के आगे मुझे बताता है और कहता है हाँ गल बन सकती है। कहता है कॉल्ड कंसीलिएटर हेल्प्स पार्टी रिजोल्व देयर डिस्प्यूट्स बाय मीटिंग देम सेपरेटली एंड टुगेदर टू सजेस्ट सॉल्यूशंस एंड एनकरेज एग्रीमेंट। तो पहले सेपरेटली सेपरेटली मिलता है, जब उसको लगता है कि कोई बात बन रही है तो फिर इकट्ठी मीटिंग रख के सुलझा देता है। प्रोसेस क्या है, पहले एग्रीमेंट करना है कि हमने चूज क्या किया है, कंसीलिएशन चूज किया है, जैसे आर्बिट्रेशन के लिए एग्रीमेंट किया था ना कि आर्बिट्रेशन को हम चूज कर रहे हैं, उसी तरह मेडिएशन के लिए हमने चूज किया था कि हम मेडिएशन को चूज कर रहे हैं, इसी तरह हमने कंसीलिएशन के भी एग्रीमेंट करना है कि हम कंसीलिएशन को चूज कर रहे हैं। देन सिलेक्शन ऑफ कंसीलिएटर है, जैसे सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर था, सिलेक्शन ऑफ मीडिएटर था, उसी तरह सिलेक्शन ऑफ कंसीलिएटर है। समझ आ रही है, सेपरेट मीटिंग्स है, पहले कंसीलिएटर हसीब के साथ मीटिंग करेगा, फिर मेरे साथ आगे सेपरेट मीटिंग करेगा, फिर जॉइंट मीटिंग, फिर हम दोनों को ग्लोरिया बुलाएगा, कहता है कि चलो यार चाय पिलाना, अच्छा ग्लोरिया बैठेंगे, ग्लोरिया ब्रांड की प्रमोशन होगी यहाँ पे, 50,000 मेरा सीधा हो गया। देन है रेजोल्यूशन, कहता है द पार्टीज वर्क विद द कंसीलिएटर टू रीच एन एग्रीमेंट विच दे कैन देन फाइनलाइज एंड फॉलो। एग्जाम्पल क्या है सीर साहब, इमेजिन टू बिजनेस पार्टनर्स हैव अ डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ टू डिवाइड प्रॉफिट्स। हसीब साहब ने 50 लाख इन्वेस्ट किया था, मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने 40 लाख किया था, सीर साहब ने 50 लाख किया, सीर साहब मीर बंदे हैं तो हमारे दरमियान डिसएग्रीमेंट आ गया कि जो प्रॉफिट आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना। द कंसीलिएटर मीट्स विद ईच पार्टनर इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। हसीब उसको बताएगा मैं 50 लाख इन्वेस्ट किया था, 40 करके मेरे को उन्होंने पैसे मंगे हैं, मैं कहूँगा मैंने 40 इन्वेस्ट किया था लेकिन हसीब तो आता ही नहीं था, सारा दिन तो मैं वहाँ पे जो है खजर खराब होता था, मार्केट में मैं जलील होता था, बाल मेरे सर पे कोई नहीं रह गए, काला मैं हो गया, दो मैं फिर पर्सनैलिटी डैमेज हो गया है, तो मुझे तो भाई उतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो कहते देन द कंसीलिएटर ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड सजेस्ट अ वे टू स्लिप टू स्प्लिट द प्रॉफिट्स फेयरली, कि यार ऐसे प्रॉफिट जो है ना बांट लो। द पार्टनर्स एग्री टू प्रपोजल एंड पुट द न्यू एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये था हमारे पास पहला ADR का क्वेश्चन, कि ADR क्या है, ADR का बैकग्राउंड क्या है, ADR के गोल्स क्या हैं, ADR की नेचर और स्कोप क्या है, ADR के लिए कौन सी चार टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, उन टेक्निक्स के लिए कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ जाए, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन सेम रहनी है, गोल्स ऑफ ADR सेम रहने हैं। फिर अगर टेक्निक्स का पूछा तो सिर्फ टेक्निक्स को डिस्कस कर दें, नेचर स्कोप का पूछा तो सिर्फ नेचर स्कोप को लिख दें, बैकग्राउंड का पूछा तो सिर्फ बैकग्राउंड को लिख दें। ठीक, क्वेश्चन एक है, क्लियर हमने तीन किए, किसी भी एंगल से आ रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक, होप सो ADR का पहला लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।